Hi everyone, welcome back to my channel. So welcome to my vlog channel. Agar aap mujhe pehli baar dekh rahe hain, then I am Kavya and I'm a new mom. My baby is a little over 3 months, and if you follow me from a longer period, then you know me already and my baby. So basically, aaj ki video mein main ye batane ja rahi hu ki what is cradle cap aur ise sabse aasani se aap kaise utar sakte hain. I will be demonstrating on my baby what method I am using to remove his cradle cap. So let's get started. So first of all, cradle cap hoti kya hai? Basically, cradle cap bachchon ke sir pe ek पपड़ी की तरह आ जाती है, डेड स्किन होती है, वो एक पपड़ी की तरह आ जाती है. वो न्यूबॉर्न से लेके 1 ईयर तक कभी भी आ सकती है. सो मेरा बेबी जब 3 मंथ्स ओल्ड हुआ, तब उसके हल्की हल्की आनी शुरू हुई. सो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द क्रेडल कैप दीज डेज. सो आई थॉट ऑफ शूटिंग, ओके लेट्स शूट अ वीडियो एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ आई एम रिमूविंग द क्रेडल कैप. ये डेड स्किन होती है, जो कि जिसका कोई रीज़न नहीं है ये क्यों आती है, बट ये कभी भी आ सकती है. बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में कई बार आईब्रोज़ पे या फिर चीक्स पे, ईयर्स पे भी आ जाती है, बट दैट इज़ वेरी रेयर केस. इन दैट केस यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर. बट अदरवाइज क्राउन एरिया पे आती है, देन इट्स फाइन. ये ज़्यादातर हमेशा हमारे बच्चों के क्राउन एरिया पे आती है, साइड्स पे इतनी आती नहीं है. सो मेरे बच्चे के भी ये क्राउन एरिया पे ही आ रही है, बट इट्स वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर किड्स. बट स्टिल आई रियली वॉन्ट टू रिमूव इट. एंड यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल वाइल रिमूविंग, बिकॉज अगर आप इसे अपने नाखूनों से या उंगलियों से रिमूव करोगे तो ये पेनफुल भी हो सकते हैं बच्चे के लिए, एंड इट कैन ब्लीड एज वेल, ज़ख्म हो सकते हैं. सो आपको बहुत ध्यान से इस क्रेडल कैप को उतारना होता है. हिंदी में इसे बोलते हैं कि सिर की मैल भी बोलते हैं. सो आइए देखते हैं कि कैसे बच्चों की क्रेडल कैप उतारनी है. मेरी बेबी के बाल बहुत, शायद आपको क्रेडल कैप इतनी नज़र नहीं आएगी, बट मैं बहुत क्लोजली देखा है अपने बच्चे का से, तो मुझे पता है उसकी क्रेडल कैप आ रही है, एंड आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इट. सो फर्स्ट लेट्स मीट माई बेबी विच इज़ सिटिंग राइट हियर वेरी कामली. लुक एट हिम, ही is sitting on his bouncer. So यहाँ पर मैं demonstrate ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसे bouncer पर बिठाया है. Otherwise जब मैं cradle cap उतारने का process अपने lap में लेके करती हूँ उससे, especially the first process, and the first process is oiling. First process है oiling. तो यहाँ पर मेरे पास घर का निकला हुआ घी है. आप coconut oil या फिर देसी घी use कर सकते हैं. I'm using देसी घी because my mother-in-law suggested देसी घी is a better option to remove a cradle cap. So I use देसी घी. सो मेरे बच्चे के बाल नाइसली वॉश्ड हैं, एंड आई एम गोना मसाज हिम विद वेरी लाइट हैंड्स देसी घी के साथ. पहले मैं आपको इसकी क्रेडल कैप दिखाती हूँ कि किस तरह की अभी दिख रही है इसकी क्रेडल कैप. सो आप देख सकते हैं इसकी क्रेडल कैप थोड़ी थोड़ी सिकरी की तरह लग रही होगी आपको, बट लेट मी जस्ट गेट यू अनदर प्रॉपर एंगल. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्रेडल कैप है. यहाँ पर सिकरी की तरह लग रही है, बट इट इज़ नॉट सिकरी. इसी तरह की होती है क्रेडल कैप. ये डार्क भी हो जाती है विद टाइम. सो इसके बाल बहुत हैं, तो शायद दिखना आपको थोड़ा मुश्किल है, बट यू कैन लाइक मेक आउट की है इसकी क्रेडल कैप. सो नाउ आई एम जस्ट गोना टेल यू द एग्जैक्ट प्रोसीजर टू रिमूव द क्रेडल कैप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेक देसी घी हियर. सो इसको मैं अपने फिंगर्स पर लेके लाइटली मसाज करूँगी इसके हेड पर, वेरी लाइटली. यू हैव टू बी लाइक रियली जेंटल विद योर फिंगर्स. नेल्स बड़े ना हों आपके, कटे हुए हों, एंड यू हैव टू बी लाइक रियली जेंटल. ये जो ऑयलिंग का प्रोसेस है नॉर्मली मैं अपने लैप में करती हूँ, एंड जो इसके बाकी का प्रोसेस है वो मैं इसके बाउंसर पर ही करती हूँ, बिकॉज इट्स ईजियर. ऑयलिंग थोड़ा बच्चे को रिलैक्स करता है, इसीलिए वो मैं अपने लैप में करना पसंद करती हूँ. A baby feels much relaxed in his mother's lap, and oiling हो रही है तो why not? So यहाँ पे I'm just doing little bit his massage, and you can see ये flakes आपको दिख रहे होंगे थोड़े बहुत. Just massaging it like this, really nicely. You have to be like really really gentle while oiling the baby. इससे क्या होगा, जो आपकी dead skin है, cradle cap है, it will get softened. नरम पड़ जाएगी, अच्छे से रस जाना चाहिए ऑयल या घी, वट एवर यू आर यूजिंग, इससे नरम पड़ जाएगी, एंड जो क्रेडल कैप है बहुत आसानी से बिना बच्चे को तकलीफ दिए बाहर आनी शुरू हो जाएगी. सो नॉर्मली शायद आपने और वीडियोस में देखा होगा कि दैट दे ब्रश आफ्टर यूजिंग द ऑयल, बट आई हैव ट्राइड ब्रश
ब्रश से ज़्यादा बेटर ऑप्शन आई जस्ट टेल यू. ब्रश से इतनी आसानी से क्रेडल कैप नहीं निकलती. तो यहाँ पे मेरे पास दो ब्रशेज़ हैं, बेबी ब्रशेज. वन इज़ दिस वन, दिस वन इज़ बाय कीको. सो ये बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश है, इससे तो बिल्कुल नहीं निकलेगी क्रेडल कैप. या ये बहुत सॉफ्ट ब्रश है. दी अनदर वन इज़ अ रेगुलर नॉन ब्रांडेड ब्रश, इससे थोड़ी बहुत निकलती है, बट इट्स नॉट दैट गुड. आई जस्ट शो यू. आई स्टार्ट ब्रशिंग. सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके क्रेडल कैप हल्की थोड़ी बहुत निकल रही है. एंड यू हैव टू ब्रश लाइक एटलीस्ट 4-5 टाइम्स अ डे, तेल लगे रहने देने के बाद थोड़ी बहुत निकल रही है. आप देख सकते हैं ब्रश में भी हल्की सी आ रही है यहाँ पे, जैसे कि सिकरी निकल रही है उस टाइप से लिखती है. बट इट इट स्टिल नॉट वर्क्स द बेस्ट. सो द बेस्ट वर्क्स इज़ बेबी कॉम्ब. सो दिस इज़ अगेन बाय किको. एंड आप देख सकते हैं कि इस तरह की कॉम्ब है ये. आप देख सकते हैं इस तरह की कॉम्ब है, जिसमें कि नीचे से जो इसके टूथ है वो राउंडेड है, ताकि बच्चे को तकलीफ़ ना हो. ऑल्टरनेट टूथ राउंडेड है, सो इससे बहुत अच्छे से क्रेडल कैप निकल जाती है. सो लेट्स जस्ट सी हाउ इट वर्क्स ऑन बेबीज स्कैल्प. इसे ब्रश से हमने किया, आप देख सकते हैं उतने अच्छे से इट्स नॉट वर्किंग. निकल रही है बट इट इज़ नॉट वर्किंग वेरी नाइसली, थोड़ी बहुत निकल रही है. सो नाउ आई विल जस्ट शो यू विद दी कॉम. वेरी जेंटली यू हैव टू डू. इतनी जेंटली कि बच्चे को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. धीरे धीरे इट विल कम ऑफ. हर डायरेक्शन में आप इसको कॉम कीजिए, तभी क्रेडल कैप निकलेगी. यू शुड बी वेरी जेंटल वाइल कॉम्बिंग द बेबी. एंड आप देख सकते हैं कैसे फ्लेक्स में क्रेडल कैप निकलनी स्टार्ट हो रही है. यू शुड कॉम्ब इन एवरी डायरेक्शन. ये देखिए हाउ इट गेटिंग ऑफ. एंड यहाँ पे आप देखिए कॉम्ब में किस तरह से क्रेडल कैप के फ्लेक्स आने शुरू हो गए हैं. सो दिस इज़ द मेथड. यू हैव टू डू लाइक at least 4-5 times a day. So with this method you can take off your baby's cradle cap very easily. It will not hurt your baby. And also clean your comb after every time you use the comb to remove cradle cap. So he's getting little fuzzy. I'm just gonna take him to my lap and I'm just gonna do the whole process. So here you can see ki kitna cradle cap iska nikal gaya. You can see the dirt here. You can see the dirt here. It's all the cradle cap. So you have to be really hygienic. Clean the comb after every use and use it approximately 4-5 times a day after oiling. Isse sukhe mein kabhi brush na kijiye, because cradle cap अगर सूखे में निकलेगी तो इट कैन हर्ट बेबी. बेबी को ज़ख्म हो सकते हैं, ब्लीड हो सकता है. सो ऑलवेज़ यू नो, अच्छे से सॉफ्टन करने के लिए क्रेडल कैप को ऑयलिंग कीजिए एंड देन यू शुड कॉम्ब, नॉट ब्रश. यू शुड कॉम्ब. वन मोर थिंग, जब आप क्रेडल कैप निकालेंगे तो बाल झड़ना इज़ वेरी कॉमन. सो डोंट यू नो पैनिक और समथिंग लाइक दैट. इट्स अ नॉर्मल थिंग. हेयर फॉल होगा बच्चे का, सो दैट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग. एंड आफ्टर डूइंग दिस, लाइक जैसे अगर आप आज कर रहे हैं इस तरह से कॉम्बिंग, देन यू शुड बी वॉशिंग द बेबीज़ हेयर वेरी नेक्स्ट डे, बिकॉज यू शुड कीप द स्कैल्प वेरी क्लीन एंड हाइजेनिक. आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है. 10-12 बार आप स्ट्रोक्स कीजिए विद डिफरेंट डायरेक्शंस एंड धीरे धीरे आपकी जो क्रेडल कैप है बच्चे के सिर से निकलनी शुरू हो जाएगी विदाउट हर्टिंग योर बेबी. एंड यू कैन सी how the cradle cap is coming off. How I clean the comb, I use the brush, baby brush, and I just scrub off the cradle cap jo ki comb mein aayi hai. So that was it, a short tutorial on how to remove cradle cap. I hope aapko ye video pasand aayi hogi. And I will see you guys in my next video or in a vlog. And agar aap is tarah ki baby topics pe aur videos dekhna chahte hain, then please do let me know. I'll see you again. Bye bye.